आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संविधान बचाओ न्याय यात्रा के पहले चरण की शुरुआत कटिहार से की। उन्होंने यात्रा के पहले दिन कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। साथ ही तेजस्वी यादव ने जाप नेता और मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वकालत करने वाले आरजेडी से बाहर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि पप्पू यादव के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जदयू के न्याय यात्रा को ड्रामा और छलावा बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में बोले तो हम जवाब देंगे। संविधान में बदलाव किए जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को चोर दरवाजे से सरकार में शामिल कराया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और 15-15 दिन यहां कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा इससे पहले नीतीश कुमार कहते थे कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे। तेजस्वी ने आगे कहा केंद्र एवं राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है जिसे डबल इंजन कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई काम नहीं हो रहा। वहीं गया दुष्कर्म मामले में पीड़िता का नाम लेने पर महिला आयोग द्वारा नोटिस दिए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला आयोग में बीजेपी के लोग बैठे हैं, गलत होने पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर दलित की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया और सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में नीतीश कुमार और सुशील मोदी जानबूझकर एफआईआर किए जाने में देरी करवाया, जो कोर्ट की अवमानना है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है उस बच्ची के नाम को लेकर के इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। जब उस बच्ची का रेप हो गया, सिगरेट से जला जला करके मार दिया गया, जो बच्ची इस दुनिया में नहीं है उस पे कुछ लोग जो है गंदी राजनीति करना चाहते हैं। ये महिला आयोग कहाँ छुपे हुए थे, ये लोग, ये बाल आयोग कहाँ छुपे हुए थे। घटना हुई, मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में नहीं तो उसका भविष्य अच्छा या बुरा क्या होगा, उसकी बदनामी होगी या नहीं होगी, इस पे क्या होगा। जो इस दुनिया में बच्ची नहीं है इस पे कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, क्या आप बताइए, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तर्ज पर दलित के घर खाना खाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राहुल जी और हमारे पिताजी महादलितों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। यहां हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह दलित के बाद महादलित कार्ड खेला था, कुछ कुछ उसी तर्ज पर इन दिनों जाप नेता पप्पू यादव भी दलितों और मुसलमानों की मसीहा बनने की ढोंग रचा रहे हैं। लेकिन इस तरह के ढोंग करने वाले नेता ये भूल जाते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।